दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखें यूट्यूब अनबॉक्स। और आज मैं एक आपके लिए नॉन टेक वीडियो लेके आया हूँ। तो रिसेंटली मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था और ये वाला वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, अराउंड 2 साल पहले। तो आपने भी देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किए हैं और बैडमिंटन काफ़ी ईजिली आपको अवेलेबल भी है और एक अच्छा खासा स्पोर्ट है। तो एक मैंने बैडमिंटन ऑर्डर किया था अपने लिए। तो ये लीनिंग का मैंने रैकेट ऑर्डर किया था और ये मेरे को पड़ा था 260 रुपीज़ का। नॉर्मली इसका रेट रहता है अराउंड 400 रुपीज़ और MRP इसका है 1300 रुपीज़। तो ये वाला रैकेट मैंने मंगाया था, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये रैकेट कैसा है। ये एकदम बिगिनर रैकेट है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये आता है ऐसे एक केस में जो कि ये कपड़े का केस है। इसके साथ में आपको ये लैनियर्ड मिलता है जिसके थ्रू आप अपने कंधे पे इसको कैरी कर सकते हैं। और ये एक स्ट्रिंग टाइप का इसके अंदर लॉक दिया हुआ है, तो उसकी वजह से बैडमिंटन इसके अंदर रहता है। और यहाँ से इसके अंदर रैकेट निकाल के मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका जो बैग है, यहाँ से ये थोड़ा सा पैडेड है और फिनिश काफ़ी अच्छी है। इसके जो बैग इसके अंदर दिया हुआ है, इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है। ये फुल कवर है। नॉर्मली आपको इसके अंदर खाली जो कवर दिखते हैं वो खाली बैडमिंटन का हेड कवर करते हैं, यहाँ पे पूरा बैडमिंटन कवर होता है। तो ये लेनिंग का स्मैश XP92 रैकेट। तो इसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह सब देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेनिंग का एंड मिलता है यहाँ पे, और ब्रांड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे लेनिंग का, इसके अंदर एम्बॉस करके दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके MRP है 1390, बट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको ऑर्डर किया था 267 रुपीज़ का ऑफ़र में। नॉर्मली आपको ये 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। और इसके और भी बहुत सारे रैकेट्स आते हैं। तो XP सीरीज़ जो भी है वो पूरी की पूरी सेम सीरीज़ है, बस इसका मॉडल नंबर चेंज कर रखा है क्योंकि उसके अंदर या तो उसके कलर अलग होते हैं, नहीं तो उसके साथ में कुछ अलग टाइप का रैकेट कवर मिलता है। तो ये पूरा का पूरा स्टील रैकेट है और टी जॉइंट रैकेट है, तो बिगिनर रैकेट है एकदम पूरा। और इसका फुल रिव्यू भी मैं आपको दे ही देता हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ खास है नहीं, बस इसका कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा था तो मैंने मंगा दिया था। बट जब मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बारे में पता चला कि ये बहुत ही बढ़िया रैकेट था कंपेयर टू अदर रैकेट जो इस बजट में आते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लिपकार्ट के पेज पे जहाँ से कि मैंने मंगाया था, ऑनलाइन से मंगाया था। तो मैंने ओके, तो यहाँ मैं आपको अपने फ्लिपकार्ट में दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लेनिंग के जो रैकेट्स आते हैं XP सीरीज़ में, ये ऐसे बहुत सारे आपको रैकेट देखने को मिल जाएंगे और ये सारे रैकेट पूरे के पूरे एकदम सेम है एग्जैक्ट। अब इसके अंदर वही है कि हर साल लेनिंग ने एक नया वर्जन निकाला, तो उसका XP कोई 90 कर दिया। मेरा XP92 था, XP94 तक अब आ चुके हैं। तो XP90, XP60, XP70, XP80 सब सेम रैकेट है, बस कलर का फ़र्क है, उस वजह से इसका मॉडल नंबर चेंज कर देता है। और XP2020 ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से इसके अंदर जो है ग्राफिक्स अलग टाइप के दिए हुए हैं। और कुछ रैकेट्स में आपको दिख रहा होगा कि फुल कवर दिया है, कुछ रैकेट में खाली हेड वाला कवर दिया है इसके अंदर, तो उस वजह से ही इसके प्राइसेस में थोड़े से डिफरेंस है। तो यहाँ आप देख लो सारे के सारे सेम रैकेट हैं। फिर ये कुछ है XP800 दे दिया जिसके अंदर श्रीकांत सीरीज़ लिख दिया है, तो श्रीकांत का दिन भी सीरीज़ कुछ नहीं होगा, बस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, ये वाला रैकेट देखो, इसके अंदर आपको बस लिनिंग का एक डिफरेंट टाइप का कवर दे दिया है और रैकेट पे श्रीकांत का दिंडी के सिग्नेचर्स हैं और वही पूरे रैकेट पे बस SK सीरीज लिखा होगा, श्रीकांत का दिंडी का सिग्नेचर है। तो उस वजह से इस रैकेट का दाम उन्होंने बढ़ा के 675 कर दिया। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने ये रैकेट मंगाया था मार्च 18, 2019, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस रैकेट को मेरे को मंगाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 267 रुपीज़ का मंगाया था और अभी इसका रेट लास्ट 400 तक दिखाया है, अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रैकेट मैंने अराउंड 6 मंथ्स यूज़ किया और 6 मंथ्स में मैंने काफ़ी इसको मतलब अच्छे से, क्योंकि मैं एकदम बिगिनर था उस टाइम पे, तो मैंने इसको खूब रगड़ के यूज़ किया। इधर उधर ये बहुत क्लैश किया था और दूसरे रैकेट्स के साथ में, और एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जोर से एक दिन क्लैश हुआ, तो उस टाइम पे टूटा नहीं, बट मैं दिख रहा था कि जो रैकेट का यहाँ पे जो ये जो साइट होता है ना,
और यहाँ पे हल्का सा डेंट आ गया था इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा, यहाँ पे अरे बंद क्यों हो जा रहा है, तो इस साइड में थोड़ा सा डेंट आ गया था एकदम कोने में। तो खेलते खेलते में जब मैंने एक स्मैश मारा तो यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट से ये रैकेट टूट गया खेलते में। ओके, तो 6 मंथ्स में मैं बोलूँगा कि लाइक मैंने जितना खेला तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पूरा अच्छे से अब्यूज़ करके खेला, तो उस वजह से मेरे ख्याल से ये सही चल गया। 250 का रैकेट था और मैंने बहुत खेला इससे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ मैं इससे बहुत खेला, क्योंकि एक्चुअली मैं इससे बहुत देर तक खेलता था, पूरे पूरे दिन खेलता था, और इसकी स्ट्रिंग्स नहीं टूटी, ये रैकेट टूट गया। और ये वाला मैंने मंगाया था मेन, इसकी कलर स्कीम बहुत अच्छी थी, ये यहाँ पे रेड फिर गोल्डन फिर ब्लैक फिर रेड, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लग रहा था कि थोड़ा महंगा रैकेट है, तो उस वजह से मेरे को सस्ते मिल गया तो मैंने मंगा ली। बस कुछ नहीं, फिर अब एल्यूमिनियम के रैकेट तो जब टूटते हैं तो फिर तो उनका कुछ और कर नहीं सकते, वेल्डिंग करा के कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैंने बस उसकी स्ट्रिंग्स जो है उसको एक जगह से कट किया और वहाँ से उसकी पूरी स्ट्रिंग्स निकाल ली, सो दैट अगर बाद में कभी यूज़ आया कुछ स्ट्रिंग्स के लिए तो उसके लिए मैंने इसकी स्ट्रिंग निकाल के रख ली। और फिर ये अलग से रखा हुआ था तो मम्मी ने एक दिन ये रैकेट कबाड़े में फेंक दिया, जबकि मेरे को उस रैकेट का कुछ करना था, बनाना था इसका, हो सकता है कुछ DIY में कुछ बनाता है इस रैकेट का। तो ठीक है, जैसा भी है, रैकेट ने अच्छा सर्व किया और लिनिंग के रैकेट से मैं काफ़ी खुश रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास जो दो और रैकेट मैंने नए लिए वो भी मेरे लिनिंग के ही हैं, और इससे तो काफ़ी महंगे वाले हैं, एक मेरा है 2000 का और एक है 12000 का। तो यही था वीडियो इस रैकेट के ऊपर, लिनिंग स्मैश XP92, और आने वाले कुछ वीडियोस रैकेट्स के ऊपर ही होंगे, बैडमिंटन के ऊपर होंगे, तो मैं अपनी जो भी नॉलेज मेरे को मिली है इतने टाइम में वो मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को फीडबैक देना कि हाँ कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूँगा ये सीरीज़। ठीक है, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।